तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज ने कहा, जिसका अखंडता में विश्वास ना हो वो मेरी कथा में ना आए। उन्होंने कहा, भोपाल का नाम भोजपाल होकर रहेगा। श्री राम भद्राचार्य जी महाराज ने यह बात भोपाल में श्री राम कथा के दौरान कही। भोपाल के दशहरा मैदान में चल रही श्री राम कथा में राम भद्राचार्य जी महाराज ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से आह्वान किया कि भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल किया जाए। उन्होंने कटु शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि कुछ कठमुल्लों ने इसका नाम भोपाल कर दिया था, जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है, फैजाबाद का नाम अयोध्या किया गया है और होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है, उसी प्रकार भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल किया जाए। वहीं श्री राम भद्राचार्य महाराज जी ने संकल्प लिया कि मैं भोपाल की धरती पर दोबारा तब ही आऊंगा जब इसका नाम भोजपाल होगा। महाराज ने कहा, जल्द ही अखंड भारत होगा और पाक अधिकृत कश्मीर पुनः भारत का हिस्सा हो जाएगा। जिसको राष्ट्र की अखंडता चाहिए, जिसको पूरा कश्मीर चाहिए, वो मेरी कथा में अवश्य आए, और जिसको अखंडता नहीं चाहिए वो मेरी कथा में बिल्कुल ना आए, मुझे आवश्यकता नहीं। जैसे सब कुछ हो रहा है मित्रों, उसी प्रकार भोपाल का नाम भोजपाल होकर रहेगा। अरे उसमें करना क्या, पहले इसका नाम भोजपाल था ही, इन बेईमान कठमुल्लों ने जग को काट कर भोपाल कर दिया। ये भोजपाल था, भोज पाल यस्य स भोजपाल, भोज राजा जिसके पालक है उसका नाम है भोजपाल। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।